अस्सलाम वालेकुम जी, मैं तुहाडा अपना होस्ट बाबा जी, सेव हिस्टोरिकल प्लेसिस ऑफ पाकिस्तान, सेव गुरुद्वाराज एंड टेंपल्स ऑफ पाकिस्तान, पंजाब पेज, द हेरिटेज ऑफ पाकिस्तान एंड पाकिस्तान हेरिटेज क्लब, शाहिद शबीर फोटोग्राफी और ग्रुप है प्यारा ननकाना साहब, खालसा राज फुटस्टेप्स की जदों भी असं गल करते हैं तो कोई ना कोई नवी चीज़ ऐसी सामने आती है कि जिन्हों देख के एक बार बंद हिल जाता या वो तारीफ किए बगैर नहीं रह सकता। यह ट्रैक जिहड़ा तुसी देख रहे हो, यह ट्रैक महाराजा रणजीत सिंह ने टिल्ला जोगियां दी मुकद्दस जिहड़ी जगह सी, जिहड़ी के टिल्ला नाथां, टिल्ला उदासियां, टिल्ला बाबा गुरु नानक और टिल्ला बालनाथ एंड गोरखनाथ दे नाम तो जाणिया जांदा है। ये वो पवित्र स्थान है और मैं बहुत करीब पहुँच गया उस जगह दे और मैं तुहानू अज दिखावांगा वो जगह जिथे के रांझे ने जोग लई सी और रांझे ने अपने कान मुंदरां पाईया सन। आओ उस प्लेटफॉर्म ते या उस थड़े ते चलने हैं जिस दे उत्ते रांझे ने जोग लई सी। ऐ जी ओ थला, जिन्हों थला लोकल जबान दे थला कहंदे ने लोग, ऐ वो जगह पड़ियां लगियां या पत्थर लगे हुए सैंडस्टोन लगा होया दे उते, ऐ वो जगह जिथे रांझा आके बैठिया सी और अपने आप नू जोगी कहलवाया। पहले तो जिहड़े बाबे इत्थे बैठदे सी उन्हां लिफ्ट कोई नहीं कराई रांझे नू और रांझा इधर उधर फिरदा रहा क्योंकि रांझा भी थोड़ा जिन्ना अखड़ दिमाग का सी क्योंकि आशक सी, वो भी ठुकराया होया आशक सी, उधरों हीर का विआह होया और रांझा दुनिया तो तंग आके टिले आ पहुँचया। जदों तक्के ठिड्डे खांदा इत्थे पहुँचया तो इत्थे जिहड़े अगे बाबे सन वो बड़े सुकून च सी क्योंकि इस जगह तक पहुँचना आम बंदे दी वस दी गल नहीं है, इत्थे सिर्फ खास लोग आ सकते हैं, वरना हर बंदा जिहड़ा टिले नूं एक्सप्लोर करदा होवे। गल आ जाती है खालसा राज हिस्टरी दी या सेव हिस्टोरिकल प्लेसिस ऑफ पाकिस्तान दी, तो मैं बहुत ज़्यादा सारिया जगह तुहानू पहले ऐसिया एक्सप्लोर करवा चुकिया वा कि जिहदे मतलब शायद बहुत घट लोगों को पता, या अगर पता भी है तो मेरा ख्याल है लोकल जिहड़ी साडी अपनी डायलैक्ट पंजाबी दा उहदे विच बहुत लोगों ने घट जिहड़ा वो काम किया, इस वास्ते कि पता नहीं क्यों लोग तोहीन समझते हैं किसी जगह पर भी जाके इंग्लिश च डॉक्यूमेंट्री करना जिहड़ा वो फख्र महसूस किया जाता है, कौमी जबान तो चलो अपनी जगह, लेकिन जिहड़ी मदर टंग है अपनी माँ बोली है जिहदे 12 तो 18 लहजे ने उहनू क्यों नहीं बोलिया जाता और उहदे विच क्यों नहीं दस्या जाता चीज़ का। बरकैफ यह बहस लंबी है, ये वो जगह सी जिथे कि रांझे ने कन्न अपने फड़वाए और कन्न फटे, इस जगह के उत्ते जिहड़े बैठते सन बाबे उन्होंने कन्न फटे कहा जाता सी, वो कन्न जिहड़े सन वो उन्होंने सुराख करके तो मुंदरां पा के देंदे सी। एक लोकल इत्थे साडे सिंगर ने ताउल्ला खान ऐसा खालवी साहब, उन्होंने एक गाना सी खेड़े हीर नूं विआह के जदों लै गए तो रांझे कन्ने पाईआं मुंदरां, तो रांझे इस जगह दे उत्ते मुंदरां पाईआं सन। पाकिस्तान हैरीटेज क्लब और ये है मेरा पाकिस्तान और पाकिस्तान एक्सपलोर तमाम पेजिज जिहड़े ने उन्हां दे मैंबर्स इस वेले मेरे नाल ने, जेलम एक्सप्लोर भी सब लोग मेरे नाल इत्थे इस वेले टिल्ला जोगियां आए ने। ए देखो सब लोग बहुत लंबा सफ़र करके ते टिले पहुँचे ने और मैं इन्हां दा सारयां दा तारुफ भी करवांदा चलां। काशिफ गुरकी, आप मुझे शालीमार बाग के नाम से जानते हैं। अली हसन बाजवा, आमिर मारूफ, सैयद जहम हुसैन शाह, शर्जील अहमद, मसूद अख्तर जंजुआ, शर्जील अहमद चौधरी, मिर्ज़ा बेग दे नाँ तो, मिर्ज़ा सफदर बेग पूरा नाँ है मगर मिर्ज़ा बेग दे नाँ तो दुनिया जानती है। इन अगलो मैं जोग लैन लिया है जो जोग लैन वास्ते लै के आया मलिक अब्दुल मन्नान, यह है पाकिस्तान टूरिज्म, मिर्ज़ा आबिद हुसैन गाइड। वाह जी वाह, साढ़े गाइड भी ने, मतलब बेस कैंप तो असं इन्हों के नाल आए, असं बड़े शुक्र गुजार हाँ। तमाम दोस्तों का मैं पैशन और सारा कुछ देख के रस्ते से साढ़े दो तीन दोस्तों की मेरे समेत तबीयत खराब हुई है और टिल्ला कहा तो यही जाता है 3200 तो या 3400 फुट
3200 to 3400 है, लेकिन अगर इनू प्रॉपर तरीके ना वो एयर डिस्टेंस ना पिया जाता, लेकिन जो तुम अगर वॉकिंग डिस्टेंस से लैके आते हो तो यह तकरीबन 7000 बन जाता, फिर इन्ना बन जाता। बरकैफ देखते रहो सेव हिस्टोरिकल प्लेसिस ऑफ पाकिस्तान। और अज अपनी टीम के नाल मैं पहुंचा वा इतने रांझे कन्नी पाइया मुंदरा टिल ला के, अज असी टिले पहुँच गए हाँ, बड़े बड़े औखे पहुँचे हाँ, जिते सुने तो आई सी 3-3.5 घंटे, लेकिन असी 4 घंटे तो ज़्यादा हो गए हैं और बहुत थक गए हैं। अज टिला टिल मंगता जी, ए डंडे सोटे फड़े ने किसी तरीके ने, पता नहीं किस तरह पहुँचे हाँ। तो यह फिर दोबारा मैं तुम दिखाता जावा हाँ, और इस वे एक जगह देखो, इस जगह के मुतलक एक गल है कही जाती है, साल में एक दिन ऐसा आता है कि इतने ब्लड स्पॉट खून के धब्बे जड़े ने वो वेखे जाते हैं, इतने रत जी है पई वो वेखी जाती है। कहा जाता है कि वो रांझे दे कन्न जदों फटे सन सच्ची मुहब्बत दे विच, हीर दी मुहब्बत दे विच, ते वो खून के कतरे जड़े ने वो इतने जाहिर होंदे ने। यह वो जगह है जिहड़ी हिस्टोरिकल प्लेस है जिहदे मुतलक बहुत ज़्यादा सारे लोग अक्सर जिक्र करते हैं कि रांझा तख्त हज़ारे तो, तख्त हज़ारा एक मैं चीज़ और क्लीयर कर देवा, तख्त हज़ारा जिहड़ा चनाब रिवर के करीब जिहड़ा एक पिंड है उत्थों है। तख्त हज़ारा वो हज़ारा नहीं है जिहड़ा कि हरिपुर हज़ारा या हज़ारा डिवीजन जिहड़ियां ने एबटाबाद या हरिपुर वाला एरिया वो नहीं है, ठीक है जी। ये बहुत ज़्यादा लोग जड़े ने खास करके ईस्ट पंजाब के लोगों को थोड़ी जी ये बारे जी ना इनफॉर्मेशन नहीं है। तो इतों तकरीबन 2 रिवर्स क्रॉस किए ने उन्हें, चनाब और जेलम। मैं कहना इतने पहुँचना जान जोखा का काम है, हर बंदा नहीं पहुँच सकता। बाबा गुरु नानक इतने आए और पहली उदासी उन्होंने इतने कट्टी, कम अज़ कम 6 साल जड़े ने बाबा गुरु नानक साहब इतने आके बैठे ने। तो फिर देखते रहो सेव हिस्टोरिकल प्लेसिस ऑफ पाकिस्तान, सेव गुरुद्वारा एंड टेंपल्स ऑफ पाकिस्तान, पंजाब पेज, द हेरिटेज ऑफ पाकिस्तान, खालसा राज फुटस्टेप्स इन पाकिस्तान, शायद शब्बीर फोटोग्राफी, और ज्वाइन करो ग्रुप प्यारा ननकाना साहब। असी रेडी हाँ अपनी अगली मंजिल पर। अगली मंजिल साड़ी है वे कि तमाम जोड़े टेंपल्स ने बाबियां दे, असी उत्थे जाने वास्ते इस वेले रेडी हाँ। दोबारा मुलाकात होंदी है उत्ते जाके वड्डे सरोवर ते, और तमाम जिहड़े बाबे ने जिथे जिथे उन्हां दी बैठक सी उत्थे पहुंचने हैं।